हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे फिर से एक नए वीडियो में। तो आप लोग देख रहे हैं कन्हैया के ब्लॉग चैनल। तो आज मैं इस चैनल पे आप लोग को इतना इमोशनल वीडियो दिखाना चाहता हूँ जो कि फैमिली स्टोरी है, और जैसे मैं आप लोग को थोड़ा सा दिखाया हूँ वही वीडियो है। चलिए वीडियो देखते हैं, इसके बाद बात करते हैं। चलो प्रीति, मैं काम पे जा रहा हूँ। मैं भी चलूंगी, मेरा घर पे मन नहीं लगता। अरे पागल, तुम्हें डॉक्टर ने आराम करने को कहा है ना? वो तो तुम्हारे साथ रह के भी कर लूंगी। चलो। तो यहाँ से भैया चले जाते हैं खेत में काम करने के लिए, हालांकि बाद में कुछ कर नहीं पाएंगे। प्रीति तुम बैठो, मैं काम कर लेता हूँ। सब काम भैया करते हैं, सूरज भैया काम करते हैं। मतलब इतना जबरदस्त वीडियो है, मतलब बोरिंग का वाला वीडियो है। बोरिंग जैसे बोरिंग नहीं लगता है वो? लगता है प्रीति बोर हो रही है, कुछ करना पड़ेगा। प्रीति, तो मतलब इनको हंसाने के लिए, भाभी को हंसाने के लिए ऐसा काम किए हैं सूरज भैया। इतना जबरदस्त, मतलब फैमिली वीडियो है कि क्या मैं बताऊं। आप लोग बताइए कैसा था वीडियो ये। एक ये भी वीडियो खेत वाला देखिए आप लोग। चलो प्रीति घास कटवा दो। सूरज भैया और भाभी हैं, लेना बालते, मतलब जो गांव में नहीं होता है वैसा सब कुछ दिखाया गया है। और यहाँ पे भाभी का पेट दर्द करने लगता है, मतलब लड़का होने वाला है ना, तो पहले से वीडियो बनाए हैं हम लोग, देख सकते हैं। इतना ज़बरदस्त सीन है, इतना ज़बरदस्त वीडियो है। सीन जो दिखाया गया है गाँव का, दिखाया गया है कि गाँव में कैसे क्या होता है उस टाइम का, ये सब। और खुद सूरज भैया जाते हैं और गाय भैंस के लिए चारा बालते हैं, जो ये मशीन है जो चारा बालने वाली है, और उसको देख के भाभी खुश हो जाती हैं। मतलब काफ़ी शानदार, काफ़ी ज़बरदस्त ऐसे ऐसे वीडियो होती हैं, क्या बात है। तो ऐसी ऐसी वीडियो को देखकर सीख मिलती है लोगों को कि कैसी वीडियो बनानी चाहिए और घर में कैसे कैसे होने चाहिए, ऐसे सीख मिलती है इनकी वीडियो से। तो भाई लोग, आप लोग क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके जरूर जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पहले बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि भाई लोग ऐसे ऐसे वीडियो में लाता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो भी जरूर करना, फॉलो जरूर करेंगे तभी कुछ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचेगा।